हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद 2020-21 में से कौन से कोर्सेस हैं जिनको करके बेस्ट से बेस्ट आप जॉब कर सकते हैं जहां पर आपकी सैलरी सबसे बम्पर हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो टॉप 10 कोर्सेस या जॉब्स जिसको करके जो आजकल के समय में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है इंडिया में या फॉरेन में। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जो आने वाले अभी के समय से शुरुआत होकर आने वाले 10-15 साल में पूरे वर्ल्ड के ऊपर छा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही वो फील्ड होंगी, यही दो 10 कोर्सेज होंगे जो आने वाले, जिसका बूम रहेगा, जिसका स्कोप, जिसकी मांग सबसे ज्यादा रहेगी। और बड़ी बात यह है कि जो ये कोर्सेज हैं ये अभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा है। जो इंस्टीट्यूट अभी करवाते हैं वो पुराने घिसे पिटे कोर्सेज होते हैं जो पहले से ही सब जानते हैं, उन्हीं को कराते आ रहे हैं। तो उसमें लोग पहले से ही भरपूर हैं और जो जितनी डिमांड है उससे ज्यादा लोग वहां से पास आउट होकर निकल रहे हैं, तो वहां प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो टॉप 10 कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो अगर आप आने वाले समय में इन कोर्सेज से कर लें तो जब आप जॉब करने जाएगा, ये कोर्सेज करके जॉब कर रहे होंगे और मोटे पैसे कमा रहे होंगे, तो शायद आपको उस टाइम मेरी याद आ जाए कि अरे उस वो वाली वीडियो देखी थी और उस वीडियो में उसने भाई ने बताया था, अच्छा वो हमने सीरियसली ले लिया और आज हम मजे से अच्छे मोटे पैसे कमा रहे हैं। तो और आपका दिमाग ना खाते हुए यहां से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ये जो जो आपको टॉप 10 कोर्सेज बताएंगे और 10, 9, 8 से बताएंगे ताकि आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ऐसा मत मानिएगा कि जो टॉप पहला 10 नंबर का मैं आपको कोर्स बता रहा हूं और नंबर 1 का जो होगा वो बेस्ट बेस्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि इन टॉप 10 कोर्सेज में जो कोर्स आपको शूट करे, यानी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे मैच करे, उससे आप करेंगे तो वो तो ही आपको लिए वो बेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जिसको मैं 10 नंबर का कह रहा हूं उसको आप 10 नंबर मान रहे हैं और जो टॉप को आप 1 कह रहा हूं उसको आप 1 मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपके जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्किल है, उससे जो मैच करेगा उसको आप करना, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जी हाँ, जैसा कि आप देखते हैं कि अभी आप जब फोन यूज करते हैं वहां पर एक ऑप्शन आता है क्लाउड, राइट। दूसरा ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव। तो यानी मतलब क्लाउड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको डाउनलोड पे लगाना है और आपकी स्पीड, नेट की स्पीड कम है, तो आप क्लाउड पे करके छोड़ देते हैं। तो उससे होता क्या है कि क्लाउड में करके आप भूल जाते हैं और धीरे 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 फाइल डाउनलोड होती चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि 99% डाउनलोड होने के बाद फेल दिखा दे, वो फेल नहीं दिखाता क्योंकि वो क्लाउड के थ्रू हो रहा है। तो यानी एक मैकेनिज्म है। सेम जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में क्या होता है, आपके फोन में स्पेस नहीं है, आप गूगल ड्राइव में डाल के छोड़ देते हैं तो वहां पर आपको 8 GB 16 GB स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो फोन की मेमोरी फालतू में वेस्ट नहीं होती। सेम जो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी इसी से रिलेटेड है। आने वाले समय में आपको ऐसे कंप्यूटर मिलेंगे जिसमें आपको कुछ भी हार्डवेयर नहीं रखना पड़ेगा। जैसे लैपटॉप आप देखो 5-5 किलो के, सॉरी 3-3 किलो के हो सकते हैं, और जो इसके अलावा जो डेस्कटॉप होते हैं वो हैवी होते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा, केवल आपके पास इनपुट डिवाइस होगी। जैसे इनपुट डिवाइस में क्या होता है, आपका माउस और आपकी स्क्रीन और जो आपका कीबोर्ड होता है, इसी से आप डालते हैं। बाकी इसके अलावा इंटरनेट से वो कनेक्ट होगा और जितनी भी चीजें आपकी सेव होगी, सर्वे जो उसमें चलेगा, वो सब ऑनलाइन कंप्यूटर होगा, सारी डिटेल वहीं होगी। और क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज होगी कि जो भी आप उसको करवाएंगे, जो भी कहेंगे, वो सब कुछ एक सेकंडों में हो जाएगा जो नॉर्मल आपके कंप्यूटर में होता है। तो आने वाले समय में लैपटॉप की कीमतें भी कम होंगी और ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े स्केल पे होने वाली है। तो इसीलिए इस चीज से रिलेटेड जो ट्रेंड पर्सन होते हैं वो चाहिए होंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में, लैपटॉप में है और इंग्लिश का बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। बकायदा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो बाकी जो नो है वो छूट जाएंगे, या इसके अलावा अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप सो जाएंगे, तो दोनों ही कंडीशन मेरे लिए खराब होगी। तो नेक्स्ट उस पर हम बात करते हैं। तो नंबर 9 पे आता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं आजकल बड़ा लफड़ा चल रहा है कि यहां क्लिक कर दिया तो अकाउंट से पैसे निकल गए, है ना, वहां से कॉल आ गई, कॉल आके आपने वहां पर उसको नंबर बता दिया तो आपके पैसे निकल गए। तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जो पहले डकैतियां होती थी घर पे, वो घर पे कट्टे लेके आके डरा के बांध के होती थी, अब समय ऐसा आ गया है कि सब कुछ आपके अकाउंट से चुटकियों में वैसे ही निकल जाएगा। एक आपने गलती करी हो गया, तो इट मींस इस तरह की जो डकैती है उसको रोकने के लिए भाई पुलिस तो आएगी नहीं। तो वहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए जो इस तरह की डकैती चोरी को किसी ना किसी तरीके से रोक सके, ऐसे सिस्टम बनाए जिससे ऐसी डकैतियां, ऐसी चोरियां रुक सके, जिसको साइबर फ्रॉड भी कहते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है। तो अगर आपको इस तरह के काम में इंटरेस्ट है तो ये अगेन ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट अच्छा सा है तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, मेरी भी इस टाइम फेवरेट फील्ड है, मुझे भी इसमें बहुत कुछ सीखना है, करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप समझ रहे हैं कि पहले जो एड आया करते थे तो मैक्सिमम जो क्लाउड था, जो भीड़ थी, लोग देखते थे, टीवी देखते थे, राइट। कुछ समय पहले 10-15-20 साल में ऐसे ही होता था कि जितने भी अच्छे से नाटक आ रहे हैं टीवी पे आ रहे हैं,
मूवी आ रही है, टीवी पे आ रही है, तो ऐड आता था उन्हीं के बीच में आता था। आधे घंटे का अगर सीरियल है ससुरे, 15 मिनट तो वो ऐड के बीच में खत्म खत्म कर देते थे। उसने बड़ी खुन्नक आती थी सालों पे, है ना, कि भाई हमें ऐड देखने आए कि अपना प्रोग्राम देखने आए। एनी हाउ, कहने का मतलब ये है कि क्योंकि क्लाउड वहीं था तो सारे के सारे ऐड भी वहीं थे। अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन आ गए, हर बंदा आजकल इंटरनेट पे है। जिसको फेसबुक पसंद है वो फेसबुक में जा रहा है, जिसको यूट्यूब पसंद है वो यूट्यूब में जा रहा है, जिसको ट्विटर पसंद है वो ट्विटर में जा रहा है। तो अब क्या है, जो भाई पहले मार्केटिंग टीवी में क्या करते थे, अब वो टीवी कह रहे भी अब तो करके फायदा ही नहीं है। जितने भी यंग जनरेशन है जिनके पैसे कमाने की एबिलिटी है वो लोग तो इन फोन में डाइवर्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में टीवी में ज्यादा ऐड करके क्या होगा। तो आने वाले समय में जितनी भी जो मार्केटिंग होगी, जो जितने भी ऐड होंगे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होंगे, इंटरनेट पे होंगे, फेसबुक में होंगे, ट्विटर में होंगे, इनमें ऐड चलते हैं। आपने देखा होगा बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, फेसबुक में बीच में ऐड आ जाते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है कि वो जो डिजिटल मार्केटिंग इन प्लेटफॉर्म में करा पाए, जिनको ये काम आता हो, ऐसे लोगों की भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, जिनको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं तब भी आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे वेबसाइट बनाना, वेबसाइट में जो ऐड आते हैं, इसी से संबंधित बहुत बड़ा फील्ड है ये डिजिटल मार्केटिंग। आप देखेंगे आपको फेसबुक के थ्रू कुछ ऐड मिल भी जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज में जरूर कीजिए। मैं भी आजकल इसी को सीखने में करने में लगा रहा हूं, एक नई चीज सीखने में मिल जाती है, इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि इंटरनेट आने वाले टाइम में इसी का ही स्कोप रहेगा। तो फिलहाल मैं भी इसी काम को कर रहा हूं, तो अगर आपका इसका इंटरेस्ट होगा तो ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सपर्ट्स, यानी जो इंटरनेट के बारे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बारे में। ज्यादा डिटेल में मुझे पता भी नहीं है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ मेरी रेंज से बाहर का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसका भी अच्छा खासा स्कोप है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सपर्ट। तो ज्यादा बात ना करते हुए आप इसे गूगल सर्च करना, वहां से आपको चीजें देख के पता चल जाएंगी। इसके अलावा 6 नंबर पे आता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने नॉर्मल इंजीनियरिंग सुनी होगी, भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक नई चीज आ गई है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। क्योंकि आजकल की जो मशीनों पर काम होता है तो उनपे बेसिक आप कोई प्रोग्राम डाल देते हैं, मशीन करती है, उसके साथ साथ जब कभी कोई मशीन गलती करती है तो अपनी गलती से भी सीखती है। तो यानी मशीन की लर्निंग भी साथ के साथ चलती है। तो ऐसे कंडीशन में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग पे भी एक अच्छा खासा एक सिलेबस है, एक कोर्स है, जिसको करने के बाद अच्छी खासी आपकी इसकी डिमांड रहती है। तो इसको करके आप अच्छे खासी जॉब ले सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। तो अगर ये फील्ड आपको आप सब देखा, अगर आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपको देख के सुन के अच्छा लग रहा है, तो गूगल सर्च कीजिए, तो वहां से आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में पता चलेगा। अब बात करते हैं नंबर 5, डाटा एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, डाटा एनालिस्ट, अब आपको ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, यानी जो भी आप फेसबुक में देखते हैं करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं करते हैं, या वेब ब्राउजर में जाके कुछ सर्च करते हैं, वो सारा हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता है, उनके डाटा में रहता है, वहां से देख के वो जज कर लेते हैं ये बंदा किस टाइप का है, किस तरह की चीजें देखनी पसंद करता है। उसी तरह की ही प्रोडक्ट आपके सामने ला जाते हैं, उसी तरह के ऐड ही आपके सामने ला जाते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग उस टाइप की कर पाए। तो ये सब कैसे होता है, ये सब डाटा से ही होता है, जो इंटरनेट में आप डाटा अपना सेव कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, मीन्स जो यूज कर रहे हैं वो डाटा ही है, आपका पर्सनल डाटा कह लें, आपका बैंक डाटा कह लें, या आपकी हिस्ट्री डाटा जो भी है, सब इसी इन्हीं डाटा को एनालाइज करके ही बनाई जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका इससे रिलेटेड कोई कोर्स कर लें, आप डाटा एनालिस्ट का कोई कोर्स कर लें, तो इसमें फ्यूचर के 15 साल भी इसी के ही हैं, इसके लोग नहीं हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी ने किया हुआ हो तो उसको सर्फ पे बिठा के ले जाएंगे और पैकेज भी उसको उसी हिसाब से ही देंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 है रोबोटिक इंजीनियरिंग या कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आप कंपनियों में जो काम हो रहा है ऑटोमेटिक मशीनों में हो रहा है, और इसके साथ साथ रोबोटिक आर्म्स के थ्रू भी हो रहा है। एक बार मैं अभी टाटा में गया था, वहां पर 2 साल पहले, तो वहां मैंने देखा कि जो गाड़ियां बन रही थी वहां पर, तो वहां पर जो जितनी अंदर वेल्डिंग थी मैक्सिमम रोबोट के जो आर्म थे वही हिल हिल के सारे वेल्डिंग मार रहे थे। तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा, यार तो कितनी जल्दी मार दे रहे हैं और 24 घंटे लगातार वो उस काम को करते हैं। इसका मतलब क्या है, अब ऐसे ट्रेंड स्किल्ड पर्सन की जरूरत है जो ऐसे रोबोट की प्रोग्रामिंग कर सके, उसको हैंडल कर सके, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो यानी जो रोबोट इंजीनियरिंग है इसका एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, क्योंकि अब भैया जितनी ज्यादा कंपनी लेबर रखती है, नौकरी में रखते हैं, उतना ज्यादा उनका खर्चा ज्यादा होता है। तो अगर इन सबको मिला के अगर 2 गुना भी रोबोट आर्म खरीदने में हो रही है, तो वहां से होगा क्या, लॉन्ग टर्म में वो एक तरह से फ्री की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे टिपिकल कामों के लिए अब रोबोट आर्म वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो अगर आप इस टाइप का कोई कोर्स कर लेते हैं, इसकी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो भी आपको सर में बिठा के लेके जाएंगे, जो सैलरी देंगे आपकी मुंह मंगी देंगे। तो इस टाइप का कोर्स भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका इंटरेस्ट इस लाइन में हो। नंबर 3 पे आता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा है कि जितने भी वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, इसके अलावा जो पार्ट ऑफ जो वेबसाइट मेकिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ये सारी जावास्क्रिप्ट, जावा जो लैंग्वेज जानते हैं ये लोग, ये डेवलपर ही करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है और आप इस जावा के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर का कोर्स कर लेते हैं तो भी कंपनी वाले आपको सर में बिठा के ले जाएंगे, जो सैलरी बोलेंगे वही देंगे, बशर्ते आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो। क्योंकि जैसा आपको पता है कि शुरू में अच्छे पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो आपकी मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 2 में, नंबर 2 में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये नाम सुन के ही आपने कान खड़े कर लिए, जहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनाई दिया, फ्यूचर यही है। आप देख रहे हैं हर चीज आजकल ऑटोमेटिक हो रखी है। आप बोलते हैं लाइट्स तो लाइट जल जाती है, आप बोलते हैं पंखा ऑन हो जाता है, आप बोलते हैं टीवी ऑन हो जाता है, आप कहते हैं कि स्टार प्लस, तो वो बोलने पे ही स्टार प्लस दिखा रहा है। तो इट मीन्स कि हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत हो रहा है? यानी ऐसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ के चल रहे हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो अगर आप में आप आपके अंदर इसका इंटरेस्ट है, इस फील्ड का इंटरेस्ट है, तो प्लीज इसका कोई कोर्स करें। इसका कोर्स करने के बाद भी कंपनी आपको सर में बिठा के लेके जाएगी, सर पे इसलिए बिठाएगी कि ऐसे लोग अभी है ही नहीं। तो अगर आपने किया हुआ है और थोड़ा बहुत भी आपको एक्सपीरियंस है, तो अच्छे खासे मुंह मांगे पैसे आपको आने वाले समय में मिलेंगे, और इन्हीं की औकात ज्यादा होगी। भाई लोग कम होंगे, करने वाले डिमांड ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो अमेरिका में सबसे ज्यादा जगह किसी किसी जॉब में सैलरी मिल रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्सेज हैं, ऐसे रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उनको ही सबसे ज्यादा सैलरी के पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। इट मीन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है ये, तो इस चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते। वो बात अलग है कि मुझे ज्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो मैकेनिकल फील्ड से हूं, लेकिन अपनी आंखें खुली रखता हूं, अपने कान खुले रखता हूं, अवेयरनेस पूरी रखता हूं। हो सकता है मैं इस फील्ड का नहीं हूं भाई, लेकिन मुझे ये पता है आने वाले समय में इसी में ही ज्यादा पैसे है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में हूं, मैं आईटीआई में हूं, मैंने पॉलिटेक्निक रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सबको वही करूंगा। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप 8, 9, 10, 12 साल के हैं और आने वाले समय में कोई कोर्स देख रहे हैं, तो भाई आईटीआई के बारे में तब सोचना जब आपको किसी और जो अच्छी कोर्सेज हैं इसमें आपको शूट ना हो पाए, या फिर आपको लगे कि आपकी इतनी मेहनत नहीं है, 12th आप थोड़ा भी संघर्ष नहीं कर पाएंगे, तब जाके आप आईटीआई के बारे में बात करें। क्योंकि जो आईटीआई में बच्चे आते हैं वो नॉर्मली क्या रहता है कि भाई अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सोच समझ, चलो छोड़ यार आईटीआई कर लो, तो वो ऐसा नहीं है। तो इसके भी आईटीआई के प्लस माइनस है, वो वीडियो में जाके आप देख लेना, आई लिंक में मैंने उसमें पहले से ही अच्छे से एक वीडियो बना रखी है। बट नई वैरायटी में जाओ, जितना आप नई जगहों पर जाओगे वहां पर आपके अर्निंग की चांसेस बढ़ेंगे। आईटीआई पहले से ही अगर पहले की ट्रेड ही है, बहुत लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं, तो फिर ज्यादा नए पैसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कोई नई फील्ड है, नई जगह पे अगर आप लोगों से पहले कर लोगे, तो वहां आपका स्कोप बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल योगा इंस्ट्रक्टर, भयंकर स्कोप है। कायदे से मैं योगा इंस्ट्रक्टर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई चेंजेस, अवेयरनेस, अगर आप आंखें खुली रहेंगी तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टॉप वन यानी नंबर वन की जो जॉब जो आपको छकवा पैसे कमा के देगी, वो है ब्लॉक चेन डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, इस टाइप का इसका कोर्स है, और इसकी जो स्कोप है वो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, फाइनेंशियल एंड फिनटेक सर्विसेज में है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। इस जगह पर ये ब्लॉक चेन डेवलपर कोर्स यूज होता है, टेक्नोलॉजी इसकी यूज होती है। तो अगर आप ब्लॉक चेन डेवलपर का कोर्स कर लें, तो मान लीजिए आपके वारे न्यारे होंगे। ये टॉप वन में मैं इसको रख रहा हूँ, और क्योंकि मैंने भी अच्छे से स्टडी करने के बाद मैंने आपको ये सारे आपको बताया है, तो ये हो सकता है कि मुझे इस चीज की अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो इनमें से कोई एक फील्ड चुन लेगा, उसी के ही बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, उसी ही बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ हमने 10 नंबर से लेकर नंबर वन तक हम चले हैं, और मैंने आपको खुले तरीके से आपको बताया है कि भैया यंग हो, पहले इनको ट्राई मारो, इनमें से कुछ समझ में नहीं आया तब जाके आईटीआई की बात करना। क्योंकि आईटीआई तो भाई पहले से ही है, रेडीमेड है, सब कुछ जानते हो, वीडियो ऐसी बहुत सारी वीडियोज भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, लेकिन ये फील्ड्स नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो यही वजह है कि कोई वीडियो भी जल्दी से नहीं बनाएगा। जब वीडियो नहीं बनाएगा तो आपको अवेयरनेस नहीं होगी, जब अवेयरनेस नहीं होगी तो आप बेस्ट अपने कोर्सेज के ऑप्शन कैसे चुनेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक क्लू और देता हूं, अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो, कि दोस्तों ये जितने भी कोर्सेज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप इंग्लिश में स्ट्रांग हैं, तो समझिए एक बेस्ट पैकेज होगा इनमें से किसी भी कोर्स को करने का। पहला आपका कंप्यूटर में आप स्ट्रांग होने चाहिए, यानी लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट, एंड्रॉइड फोन, इसकी जो टेक्निक्स होती हैं, इसकी जो सेटिंग वगैरह थी, आपकी चुटकियों का खेल है, फॉर्मेट करना, ये करना, तो समझ लीजिए आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने में, यानी कहीं कोई टेक्नोलॉजी कुछ बात लिखी है सेटिंग की, वो आप पढ़ के समझ लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर केयर करके आप इंग्लिश में बात कर लोगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो अगर ये चीजें आपके आपकी स्ट्रेंथ है, कंप्यूटर, इंग्लिश लिखना, समझना, बोलना, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो मैंने भी कोर्सेज के नाम 1 से 10 तक लगाए, ये आपके लिए फ्यूचर के कोर्सेज हैं जो आपको छकवा कमा के देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अच्छे से बात करी कि फ्यूचर आने वाले आप से लेकर 15 साल तक, जिसमें आपको छकवा पैसे, टॉप मोस्ट 10 अर्निंग करने वाले कोर्सेज आपको बताए। और फिलहाल एक ड्रॉबैक ये है कि जो मैक्सिमम ये कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन है, 3 महीने 6 महीने साल भर तक के कोर्सेज हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज ही हैं। हाँ कुछ कुछ इंस्टीट्यूट इसे रेगुलर बेस पे कराते हैं, वो है IBM है, टैलेंट स्प्रिट है, कोर्सेरा वैडमी है, ये जो है ये रेगुलर कोर्सेज वैसे कराते हैं, बाकी मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं उसमें ऑनलाइन ही है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में जो इंडियन गवर्नमेंट है,
ये भी एक इंस्टीट्यूट लेके आ रही है जो इस तरह के एडवांस ऐसे कोर्सेज कराएंगे जो नॉर्मली कोई नहीं कराता, जिनको पता भी नहीं होता। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, 2020 21 सॉरी 21 22 से ये इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल की भी जो वीडियो है मैं आने वाले उसमें बनाऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यही छकवा कमाने के आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इनको देखें, इनके बारे में जानें और देखें कि आपकी किस कोर्स से आपकी स्ट्रेंथ मैच करती है, और जो चीज आपको कनेक्ट कर जाए उसमें वो कोर्स कर लीजिए और छकवा कमा लीजिए। तो दोस्तों आप बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कि भाई क्या बेटर रहेगा, आपका एडवाइस क्या रहेगी, आपका एक्सपीरियंस क्या है, प्लीज आके जरूर बताएं, क्योंकि इसी के बिहाफ पे बच्चे आगे डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।